नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और मैं श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव के द्वारा संकलित एक रोचक और मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षकों द्वारा विकसित एक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है तर्क शक्ति परीक्षण। यदि हम छात्रों में बचपन से ही उनका बौद्धिक विकास कराना चाहते हैं तो हमें उनके अंदर कुछ अलग सी चीजें करने की आवश्यकता होगी, या हमें कहना होगा कि हम उनका तार्किक ज्ञान बढ़ा दें जिससे कि वो अर्थबोध आसानी से कर पाएं और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं का सामना भी आसानी से कर पाएं। अगर उन्हें कोई उच्च स्तरीय प्रवेश परीक्षा देनी है तो उसमें वो आसानी से सफल हो पाएं। इसके लिए शिक्षक छात्रों की मदद करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार से ज्ञान भी कराते हैं और पढ़ाते भी हैं, जैसे अंक गणितीय या रक्त संबंधित सवाल उनसे करते हैं, या फिर हम कहें तो लुप्त संख्या श्रृंखला से संबंधित, या फिर ऐसे विभिन्न प्रकार की चीजें शिक्षक उनसे कराते हैं। अब इसको क्रियान्वित करने के दो चरण हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह गतिविधि हमारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों कक्षाओं के लिए लाभदायक है। चलिए इस गतिविधि को क्रियान्वित करने की विधि हम आपको बताते हैं। इसका प्रथम चरण है, प्रथम चरण में इस गतिविधि को रोचक बनाने के लिए शिक्षक छात्रों की मदद लेते हैं और उनकी मदद से गत्ते को काटकर कुछ खानों में बांट लेते हैं। खानों में बांटने के बाद में प्रत्येक खाने में वो विभिन्न प्रकार की चीजें लिखते हैं, जैसे कि गणित की संख्याएं या गणित से संबंधित कोई चिन्ह, या फिर हमारे हिंदी की वर्णमाला, अंग्रेजी की वर्णमाला, इस प्रकार से काफी सारी चीजें अल्फाबेट्स वगैरह लिख देते हैं। अब ये सब लिखने के बाद में बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों आप इसको एक एक बार देख लें पूरे गत्ते को। बच्चे देखने के बाद में फिर हमारा दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में शिक्षक छात्रों से सवाल करना शुरू करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि छात्रों मैं आपको एक सवाल दूंगा और आपको हल करना है। उन्होंने बोला और हल कैसे करना है कि हमको इसमें से गणित के जो सिंबल हैं वो हमें निकालने हैं और निकालने के बाद में हमें इन संख्याओं के बीच में रखने हैं कि मैं आपको कुछ संख्या दूंगा उसके बीच में रिक्त स्थान होंगे और आपको उसका उत्तर बताना है। जैसे शिक्षक ने बोला कि 5 रिक्त स्थान 7 रिक्त स्थान 4 बराबर 8। अब शिक्षक इनके बीच में कौन से वो गणित के साइन लगाएं, कौन से वो सिंबल लगाएं जिनसे कि इनका आंसर 8 आ जाए। अब छात्रों ने बताया कि सर इसमें हम 5+7-4 अगर हम कर देंगे तो या फिर ये आ जाएगा 8। अब इस प्रकार से शिक्षक सीख गए। अगर रक्त संबंधित सवाल शिक्षक ने पूछा तो उन्होंने पूछा कि केशव के पिताजी की माँ से केशव का क्या रिश्ता है, तो बच्चों ने सोचा और बताया कि हमारी माँ है। इस प्रकार से शिक्षकों छात्रों के अंदर तार्किक शक्ति का ज्ञान हुआ। ये हमारा नवाचार था। आशा करता हूँ आपको नवाचार पसंद आया हो और आप भी इसे अपने विद्यालय जरूर क्रियान्वित भी करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।